आज की सबसे बड़ी खबर जो मैंने आपको बताई, बदले की धमकी और काउंटडाउन। मैं क्यों कह रहा हूं, सीधा ये फ्लोर ब्रेकिंग पर आज की बड़ी खबर। क्रीमिया ब्रिज पर हमले से गुस्से में रूस, ब्रेक करिए। रूस ने यूक्रेन को दी बदले की चेतावनी, क्रीमिया ब्रिज पर हमले का जवाब देंगे ये कहा है। क्रीमिया पर ड्रोन S-200 से हुआ था हमला, सभी ड्रोन और मिसाइल मार गिराने का दावा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए इसकी जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। रशिया ने वार्निंग दे दी है, हम इसके ऊपर अटैक करेंगे, ये बड़ी खबर बोला है। रशिया ने कहा है कि हम इसका जवाब देंगे। मारिया जाकारोवा, विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता, उन्होंने वार्निंग दी है। प्लीज ये लाइन ऐड करिए, क्रीमिया पर हमला, अब रूस का बदला। सीधे आइए, जरा वॉल दिखाइए विजय, और बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, ये बहुत बड़ी खबर है। और मैं सीधे चलूंगा इसके बाद विनोद अगस्तीन सर के पास। ये देखिए बड़ी खबर, क्रीमिया पर हमला, अब रूस का हमला। यूक्रेन का अटैक, रूस का बदला। पहले जरा फुल वॉल दिखाते हैं विजय। क्रीमिया पर ड्रोन हमला हुआ, रूस ने इसे आतंकी हमला कहा है, ये फैक्ट देखिए। नेक्स्ट दिखाइए जरा, S-200 मिसाइल से भी अटैक किया गया, यहां पर रूसी डिफेंस ने मिसाइल मार गिराए हैं। नेक्स्ट दिखाइए जो हमारे पास है, कुछ घंटे के अंदर 3 हमले हुए। यूक्रेन को हमले का जवाब मिलेगा। मारिया जाकारोवा, उनकी जो विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता है, जो कि बहुत ही कंट्रोल्ड बोलती है, उन्होंने कहा है। ये वॉल लीजिए, ब्रेकिंग और शॉट लीजिए। सीधे विनोद अगस्तीन सर के पास चलूंगा। सर ये वार्निंग, हाउ सीरियस इज दिस, ये बताइए आप हमें। देखिए निशांत जी, हमने एक न्यूज चलाया था बीच में, जब जेलेंस्की ने यह ऐलान कर दिया था कि क्रीमिया, अटैक ऑन क्रीमिया, और क्रीमिया इज अ मिलिट्री टारगेट, तो ये घोषित हो चुका है कि क्रीमिया मिलिट्री टारगेट है और क्रीमिया पर बार बार हमला होता रहेगा जब तक कि या तो क्रीमिया को नष्ट कर दिया जाए या एक पार्ट ऑफ क्रीमिया को ले लिया जाए। और क्रीमिया क्यों, क्योंकि ब्लैक सी के ऊपर जो वर्चस्व है वो क्रीमिया से ही होगा, और इसके ऊपर बार बार हमला होता रहेगा जब तक बहुत ज्यादा हमला 3-4 गुना रशिया यूक्रेन पर ना कर दे, और जहां यूक्रेन को सबसे ज्यादा क्षति पहुंचे या चोट पहुंचे, दैट विल बी कीव एंड यू नो कीव के इर्द गिर्द के इलाके। इसके अलावा जेलेंस्की के मानने वाले नहीं है, कंटिन्यूसली ये क्रीमिया पे अटैक करते रहेंगे, और इसका एक तरह से नोएटो का भी और यूएस का भी मुहर लग चुका है कि क्रीमिया एक एक मिलिट्री टारगेट है, मिलिट्रिली इंपॉर्टेंट टारगेट है, जिसको हम कहते हैं यू नो की डिफेंडेड लोकेशन या की डिफेंडेड एरिया। आप जो बता रहे हैं सर, मेरे पास एक खबर आ रही है।